स्टॉप इट अनीशा, क्या हो क्या गया है तुम्हें? ऐसे लगना शुरू हो गया जैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत अनइम्पॉर्टेंट हो गया। कल भी सारा दिन मैं तुम्हारी कॉल का वेट करता रहा लेकिन तुमने मुझे एक कॉल नहीं की। मुराद, अब छोटी सी बात को बिला वजह इशू बना रहे। मैंने आपको बताया भी था कि कल लो फील कर रही थी। लो तुम पहले भी फील करती हो अनीशा, लेकिन पहले तो तुम्हें हमेशा मेरी जरूरत होती थी, मुझे कॉल करती थी, मुझसे बात करती थी, उसी से तुम्हें इत्मीनान मिलता था। क्या मतलब है कि जरूरत होती थी? मुराद, मुझे आपकी जरूरत अब भी है और हमेशा रहेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है और हमें इस वक्त बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे तुमसे अभी बात करनी, अभी और इसी वक्त बात करनी। मुझे सारे जवाब चाहिए, मुझे जवाब दो। राधे, आप क्या कर रहे हैं? You're hurting me, my hand. मुझे जानना है कि अचानक तुम्हें क्या हो गया? क्यों मैं तुम्हारे लिए अचानक इतना गैर अहम हो गया हूँ? क्या कमी आ गई है मुझ में? क्यों मुझसे प्यार नहीं कर रही हो? क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो तुम? छोड़ी मुझे। आप आ गई? चौंकना तो मुझे चाहिए तुम्हें देखकर। मुझे देखकर क्यों हैरान हो रही हो? हाँ, आपको देखकर वाकई चौंक गई। इतनी पढ़ी लिखी औरत होकर पुराने दौर वाली सोच रखने वाली ना एक आम सी औरत है आप। हाँ, वही शौहर, घर बार, गृहस्थी, जो अपनी गृहस्थी बचाने के लिए अपनी हस्ती मिटा देती है। और बदले में आपको क्या मिलेगा?